एक बार फिर से सूदखोरों ने ब्याज के नाम पर एक कारोबारी से करोड़ों की उगाही की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। बाप बेटे पर आरोप है कि उन्होंने जूता चप्पल के कारोबारी को 80 लाख रुपए उधार दिए थे। बदले में दोनों ने कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए वसूल भी लिए। इसके बाद भी वसूली करते रहे और उनकी 2 दुकान जमीन भी अपने नाम करवा ली। इसके बाद भी लूटपाट का सिलसिला यूं ही चलता रहा और बीते महीने अपने गुंडों के साथ दोनों आरोपी पिता पुत्रों ने प्रार्थी गौहर अली को इतना धमकाया कि परेशान होकर कुछ महीने के लिए वो घर बार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ आरोप में नजफ अली और उसके बेटे जोएब को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। लगभग ब्याज के रूप में 2 करोड़ 40 लाख इनके द्वारा दिया जा चुका है जैसा इनका कहना है। साथ ही इनके द्वारा ये भी बताया जाए कि 2 जमीनों का जबरदस्ती इनके द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया है। इस पर से थाना जांच चौक में आईपीसी की धारा 384 और 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फिलहाल आरोपियों की को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और चलिए छोटे